Hello, namaskar viewers. Welcome back to our YouTube channel, Sportzcraazy. मैं हूं गुरप्रीत और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक और स्पोर्ट्स क्विज जो कि बेस्ड होने वाली है इंडिया की नेशनल गेम पर यानी कि हॉकी पर। हमारी आज के क्विज में जो व्यूअर 6 के 6 क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे वो जीत सकते हैं 100 रुपीस पेटीएम कैश प्राइज। तो अगर आपको लगता है कि आप भी हॉकी के बारे में काफी कुछ जानते हैं और विनर बन सकते हैं तो आप अपने आंसर्स नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और साथ ही प्लीज गिव अस योर मेल आईडी ताकि आपका विनिंग अमाउंट हम आप तक पहुंचा सके। तो चलिए लेट्स सी कि क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा हमारे व्यूअर्स को हॉकी के बारे में कितनी नॉलेज है। तो स्टार्ट करते हैं क्विज के पहले क्वेश्चन से। सुल्तान अजलान शाह कप के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये एक ऐसा कप है जिसमें कुछ इंटरनेशनल टीम्स एशियन टीम्स के साथ कंपीट करती हैं टाइटल जीतने के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सुल्तान अजलान शाह कप का कौन सा एडिशन इस ईयर खेला गया और कब खेला गया। When and which edition of Sultan Azlan Shah Cup started in the year 2019? Option A, 15th edition on 5th April. Option B, 20th edition on 21st March. Option C, 7th edition on 10th May. Option D, 28th edition on 23rd March. तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 15 जून को हुए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी सीरीज में इंडिया वाज द विनर और उन्होंने 5-1 के स्कोर से ओपनेंट टीम को हराया था। मेरा सेकंड क्वेश्चन यहां पर ये है कि वो हारने वाली ओपनेंट टीम कौन सी थी। इन द FIH सीरीज 2019 इंडिया डिफीटेड व्हिच टीम विद अ स्कोर ऑफ 5-1। ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी पोलैंड। So when was the first time you all watched Chak De India? And when was the first time you all watched Indian women hockey team playing for real? Agar nahi dekha to you should watch and support our Indian women hockey team and agar dekha hai to it's a bonus point for you because quiz ka next question isi se related hone wala hai. To quiz ka third question ye hai ki women's hockey world cup kab se start hua tha aur kahan start hua tha? When and where did the Women's Hockey World Cup begin? Option A, 17th March 1974, France. Option B, 20th April 1980, Malaysia. Option C, 16th May 1947, Canada. Option D, 7th November 1998, India. इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एशियन गेम्स में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम अभी तक कितने मेडल्स ला चुकी है? How many medals Indian women hockey team has won in Asian Games till now? Option A, 6 medals. Option B, 5 medals. Option C, 13 medals. Option D, 8 medals. इसी के साथ आता है क्विज का फिफ्थ क्वेश्चन जो कि काफ़ी बेसिक है और क्वेश्चन ये है कि फील्ड हॉकी के रूल्स के हिसाब से हम बॉल को कितने वेज में हिट कर सकते हैं। According to the rules of field hockey, in how many ways you can hit the ball? Option A, 3. Option B, 5. Option C, 6. Option D, you can hit the ball in any way you want. तो क्विज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है नेशनल हॉकी लीग से और क्वेश्चन ये है कि नेशनल हॉकी लीग के 1988 से 89 में खेले गए सीजन में 4 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने 150 से ज़्यादा पॉइंट्स बनाए थे। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 4 प्लेयर्स कौन थे। In the 1988-89 NHL season, 4 players finished with 150 points or more. Who were these 4 players? Option A, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Steve Yzerman, Bernie Nicholls. Option B, Wayne Gretzky, Bobby Orr, Rick McLeish, Dale Hawerchuk. Option C, Paul Coffey, Joe Mullen, Luke Robitaille, Jerry Chelios. Option D, Jerry Curry, Rob Brown, Joe Mullen, जिमी कार्सन। सो गाइज आज की क्विज वीडियो यही खत्म होती है। मैंने सभी 6 के 6 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। आई होप आपने अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिए होंगे और साथ ही अपनी मेल आईडी भी दे दी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड चैलेंज देम एज वेल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्पोर्ट्स क्रेजी।